बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइडियल्स पे हमने प्रोग्राम की इब्तिदा की मंगल को और आज आइडियल पे ही हम प्रोग्राम को आइडियली खत्म करेंगे। आइडियल्स जिंदगी के हर शोबे में होते हैं। रिलेशनशिप में आइडियल, यानी आइडियल शादी, मोहब्बत में आइडियल्स की तलाश, लोगों को आइडियल नौकरी की तलाश, लोगों को आइडियल ऑफिस की तलाश, ना जाने जिंदगी में कितने आइडियल्स बनाते हैं और बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आइडियल्स हमारे टूट जाते हैं। अगर हम किसी को आइडियल बनाते हैं अपना, तो जरूरी नहीं कि हमारा आइडियल आइडियल हो। हम में हर शख्स में कुछ खामियां हैं, कुछ कोताहियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, मगर लोग जब हमें अपना आइडियल बनाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हम आइडियल नहीं हैं, हमारे में कमजोरियां हैं, मगर उनकी नजर में हम परफेक्ट हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, हमसे कोई गलती नहीं होती। तभी जिंदगी में जब आइडियल से गलती होती है तो जो आइडियलाइज करता है आइडियल को, उसे बड़ा शॉक लगता है, बड़ा सदमा पहुंचता है। गलती उसकी है या शायद आइडियल को बता देना चाहिए उन लोगों को कि जो इनको आइडियलाइज करते हैं कि हम तुम्हारी तरह चलते फिरते इंसान हैं, हम तुम्हारी तरह पुतले हैं, हम खामियां कोताहियां कमजोरी हम में मौजूद है। आज मैं बड़ा उदास हूं कराची के हालात की वजह से। ये खून की होली जो खेली जा रही है शहर में, वैसे तो पूरा मुल्क ही परेशान है, मगर बिलखसूस कराची में जो कुछ दो दिन तीन दिन से हो रहा है, ये समझ नहीं आता कि ये दीवानगी, ये पागलपन, ये जुल्म, ये बर्बरियत कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की और क्यों शुरू की। क्या हमने अपने आइडियल्स मुंतखब करने में या चूज करने में कोई गलती की? क्या हमने गलत लोगों को आइडियलाइज किया जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में ये हालत है? घर का एक फर्द अगर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है तो ना जाने कितने अफराद और कितने खानदान मुतासिर होते हैं। जिसके ऊपर गुजरती है, जिसके घर पे ये सानिया होता है, उससे जाकर कोई पूछे, अगर मेरे घर में बिजली है, मेरे घर में खाने पीने को है, मेरे घर वाले महफूज हैं, तो शायद मुझे कभी उस शख्स के, उस घर के अफराद के दर्द को मैं महसूस नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा आज मुझे कॉल करें और बताइए कि आपका आइडियल कौन है, और क्या कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि जिसको आपने आइडियलाइज किया है वो आपके मैयार पे पूरा ना उतरा हो, और अगर ना उतरा हो तो इसमें गलती आपकी है या आपके आइडियल की। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, आपके कॉल की मुझे इंतजार रहेगा। जरूर कॉल करें, आज मोटिवेट करें, कॉल करें और बताएं कि कराची में जैसे भी हालात हों, हम सब ने एक दूसरे का साथ देना है, भाई भाई के साथ है, जो भी हम पर गुजरेगी हम इसको सहेंगे, ताकि इस शहर के अंदर वो खुशियां वो वापस आ जाएं कि किसी जमाने में कराची के बारे में इसी तरह कहते थे जैसे न्यूयॉर्क के बारे में कहते हैं, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, कराची कभी सोता नहीं था। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। स्टार्ट मैंने जरा उदास वाला लिया था, मगर क्या करूं, शहर पूरा उदास है, मुल्क पूरा उदास है, और शायद ये बड़ा लम्हा फिक्र ही आए कि जो हमने सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं आज आइडियल्स, उसी में हमें तलाश करनी है कि हमने गलत आइडियल्स मेरे ख्याल में मुंतखब किए अपने लिए, और इस वजह से हमारी मुल्क के ये हालात हैं। उरूज से भी पूछते हैं, जाहिर है मेरे आइडियल्स कुछ और थे, उरूज के आइडियल्स कुछ और हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और आपको भी कहते हैं जित पर्दे से भी अगर बाहर आके मुझे सलाम देना चाहिए तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सब आपकी दुआओं का कि जिसकी वजह, हेल टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी दुआओं का कि हम आज किसी तरह यहां पहुंच गए, क्योंकि हम आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होगी हम नहीं पहुंच पा रहे थे, हम पहुंच गए और हम प्रोग्राम कर सके, तो आपकी दुआएं थी कि आप देखना चाह रहे थे। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अपने आइडियल्स के बारे में, या आइडियल की वजह से आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आई है या क्या सक्सेसेस हुई, एनीथिंग, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग जस्ट गिव अस अ कॉल, नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करें। और आज मेरे पास कॉलेज के लिए सरप्राइज है, वो ये सरप्राइज है कि जो भी कॉल करके टॉपिक से रिलेटेड अपना आइडियल डिस्कस करेगा हमारे साथ, उसको हम एक सीडी गिफ्ट करेंगे।
वो सीडी कुछ भी हो सकती है, जो भी उसके प्रॉब्लम के साथ सीडी होगी आप दे दीजिएगा, लेकिन एक सीडी हम उसको गिफ्ट करेंगे हमारी तरफ से, हेल टीवी की तरफ से। सो कम ऑन, स्टार्ट कॉलिंग एंड स्टार्ट शेयरिंग एक्सपीरियंसेस अबाउट आइडियल्स। अच्छा बाबा, इट इज सो स्ट्रेंज कि हम लोग उस दिन आइडियल्स की बात कर रहे थे, हमने सब बातें की जी आइडियल क्या होता है, लोग आइडियल बनाते हैं, एक स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी बन जाता है आइडियल बनाना, एक आदमी को सक्सेस की सीढ़ियां भी चढ़ाता है और एक आदमी को बिल्कुल पीछे भी धकेल देता है, ठीक है, वी अंडरस्टूड दैट, बट व्हाट अबाउट टुडेज आइडियल्स? आपको लगता है आज की जनरेशन के पास कोई आइडियल है? क्योंकि आज जो मैंने बाहर हालात देखे हैं, आई विल जस्ट टॉक अबाउट पाकिस्तान, देन वी कैन टॉक अबाउट समथिंग एल्स, बट इन पाकिस्तान डू यू थिंक हमारे जनरेशन के पास कोई आइडियल है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये हो रहा है, चूंकि हमारे पास आइडियल्स वो नहीं है। देखिए, एक तो होता है आपका वो आइडियल होता है सिचुएशनल होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक नौकरी कर रहे हैं तो आप एक आइडियल बॉस तलाश करते हैं। सही। आप कहते हैं आइडियल जॉब है मेरी, सही। बहुत अच्छी जॉब है, मुझे अच्छी सैलरी है, इज्जत है, वगैरह वगैरह। इसी तरह आप एक आइडियल घर की तलाश करते हैं, सिचुएशनल आइडियल्स भी होते हैं। इसी तरह आप कहते हैं जी मेरे बच्चे तो आइडियल है, मेरा स्पाउस वाइफ या हस्बैंड आइडियल है, मेरी मदर इन लॉ आइडियल है। मगर एक आइडियल वो होता है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आइडियल्स को देखकर इंसान उस जैसा बनने की कोशिश करता है। सही। वो आइडियल्स की हम बात करें आज, कि जिसको जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, मोटिवेशनल, और आप चाहते हैं मैं भी इसी की तरह बनूं। जैसे कई लोग क्रिकेट में कहते हैं जी ये हमारा आइडियल है, हम इसकी तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो आइडियल कि जो आपको जिंदगी में इस काबिल करे कि आप उठकर कोई अमल करें, यानी मोटिवेट करे टू एक्ट। ओके, ठीक है, प्रोएक्टिव करता है आपको, वो आइडियल होता है जिंदगी में। यानी दैट मींस आइडियल इज कैन बी एन, इट इज एन आइडिया, बट आइडियल गिव्स यू एन आइडिया टू एक्ट। एक्ट, ओके, एंड एक्ट सो दैट आप उस तरह बन जाओ, उस मकाम पर पहुंच जाओ जिस मकाम पर वो आइडियल है। अब हमारी न्यू जनरेशन के साथ ये हुआ कि पिछले कई सालों से बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, चूंकि हमारे ये प्रोग्राम बड़ा नॉन पॉलिटिकल और बड़ा सिंपल सा हेल्थ के रिलेटेड है, हमें आइडियल्स नहीं दिए गए या बताए गए जो हमें सामने लाना था, उन लोगों को जो आइडियल्स होते हैं हम उसको फेस पे नहीं ला सकते, उन लोगों को जिनको हमको लाना चाहिए। तो याद है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरा एक बहुत बड़ा आइडियल या इंस्पिरेशन जो था वो था जो बैजेस होते हैं, जो तमगे होते हैं ना, जो मिलिट्री के लोग लगाते हैं, मुझे वो बड़ा इंस्पायर, वो यूनिफॉर्म इंस्पायर करता था, यूनिफॉर्म इंस्पायर करता था, मुझे एयरक्राफ्ट इंस्पायर करता था। मेरी जिंदगी में तमन्ना थी कि कभी मैं एयरफोर्स का पायलट बनूं, आई हैड दिस ड्रीम ऑफ माइंड। नाउ वो आइडियल्स पिछले 25-30 साल में मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अब हुआ यह कि समथिंग हैज डेफिनेटली चेंज। आइडियल्स जब चेंज होता है तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है आपकी, बिकॉज आइडियल्स गिव यू आइडेंटिटी, आइडियल गिव्स यू आइडेंटिटी देता है, ठीक है। और हमारे साथ हमारी एक आइडेंटिटी कहते हैं ना कॉलर, हमारी कॉलर्स की आइडेंटिटी वाली कॉल आई है, एक हमारी रमशा की कॉल है हमारे साथ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो रमशा जी? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज शायद तुम नहीं आई थी ना? नहीं ना, आज वो हालात ना, तो कहते हैं ना हेल्थ टीवी का शो तुम्हारी कॉल के बगैर और याया साहब की कॉल के बगैर पूरा ही नहीं होता, हमेशा आप देखिए। आज थर्सडे के लेक्चर में लोग आए थे, लेकिन हमने लाइव देखा था, चलो बताओ क्या शेयर करना चाहोगी? अच्छा शेयर, आज उसे मैं प्रोग्राम का वेट ही कर रही थी, मेरे क्वेश्चन था माइंड में, कहो। लाइक आइडियल्स का ये है ना, जिस तरह हम बात आप बात कर रहे हैं कि जिससे आप इंस्पायर हो और यू ट्राई टू फॉलो दैट पर्सन, अगर एक जिस तरह कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना, किसी को आइडियलाइज करते हैं, इंस्पायर होते हैं उनके काम से एंड एवरीथिंग दे डू, लेकिन वो शो नहीं करते हैं, शो ऐसा करते हैं कि आप जो काम कर रहे हो आपसे आप मतलब इट्स नथिंग, उसको डिग्रेड करेंगे, सही करेंगे, सही, लेकिन काम वो फॉलो उनको ही कर रहे होते हैं, उनकी विश होती है कि हम भी वही काम करें जो वो कर रहे हैं, तो वो है, वो मतलब आइडियलिज्म है या नहीं? ठीक है, थैंक यू सो मच अंजा, सच अ गुड कॉल, सच अ गुड क्वेश्चन दैट यू हैव पुट अप। और तुम्हें मैं अब क्या सीडीज दूं, तुम सारी सीडीज ले चुकी हो, तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट तुम्हें मैं दे दूंगी, अब थर्सडे को आओगी तब तुम्हें मैं दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, ये इन्होंने कहा कि जी हम आइडियल तो बनाते हैं, ठीक है। अब हमने आजकल ऐसे बड़े सारे लोग देखे जिनकी करियर आइडियल है, लेकिन वो उनकी बुराइयां भी करते हैं और फिर उनको फॉलो भी करते हैं, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज? बेसिकली इंसान में दो तीन चीजें होती है, एक मुनाफिकत बहुत कॉमन है,
दूसरा जर्फ नहीं होता, जर्फ नहीं होता, तीसरा ईगो का प्रॉब्लम होता है, तो वो एडमिट नहीं करता कि जी मैं आपको एडमायर कर रहा हूँ, एज गुड एज यू आर, जी तो उसको कहते हैं नकल करना। कई शोबिज के अंदर बड़ा कॉमन है कि बाज बड़ी पर्सनैलिटी के लोगों को लोग इमिटेट करने ही, उन जैसे बनने की कोशिश करते हैं। प्लीज ये कोशिश मगर करें, इसमें कई दफा ये होता है कि वो कहते हैं ना कहावत के कौवा हंस की चाल चल गया तो अपनी चाल भूल गया, तो इंसान बाज दफा अपनी आइडेंटिटी खो बैठता है और बाद में उसके लिए जिंदगी में बड़े प्रॉब्लम होते हैं, राइट। अच्छा, आइडियल जैसा बनने के लिए यू हैव टू थिंक लाइक एन आइडियल, यू हैव टू एक्ट लाइक एन आइडियल ऑल्सो, यू हैव टू लिव लाइक एन आइडियल। ये डॉक्टर मोइज़ मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि मैं एक टेक्निक बताना चाहूंगा एनएलपी की। मैंने उनको कहा नहीं, उसका नाम मत रिवील करना, तो उन्होंने कहा नहीं मैं कर दूंगा हेल्थ टीवी के ऊपर। तो आप बताएं कि उसको आपकी टर्म में, हमारी टर्म में, एनएलपी की टर्म में किसी आइडियल को फॉलो करने को क्या कहेंगे हम? बेसिकली इसको मिररिंग कहते हैं, मैचिंग कहते हैं, मिररिंग और मैचिंग, मैचिंग कहते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जैसा आपका आइडियल उठता है बैठता है, दो किस्म की स्ट्रेटेजी होती है, एक तो नजर आती है, आपका आइडियल कपड़े कौन से पहनता है, आप वो पहनते हैं, या परफ्यूम कौन सी लगाता है, कौन सी लगाता है, चलता कैसे, बात कैसे करता है, वगैरह वगैरह। इसको नकल कहना नहीं कहते। बेसिकली एनएलपी के अंदर ये कहा जाता है कि अगर एक कामयाब शख्स है जो जिंदगी में किसी हवाले से कामयाब है और आप भी कामयाब बनना चाहते हैं, तो उसके पास एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उस स्ट्रेटेजी के दो पार्ट है, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। अगर आज दोनों पार्ट आपको मिल जाए, कॉन्शियस स्ट्रेटेजी अनकॉन्शियस स्ट्रेटेजी, और वही आप अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करें, तो यू विल बी एज सक्सेसफुल एज दैट पर्सन, एज सक्सेसफुल एज दैट पर्सन। अगर कोई जिंदगी में आपका है जो आपको लगता है बहुत सक्सेसफुल है और उसकी स्ट्रेटेजी अगर आपने उसको अनफोल्ड कर दिया, उसकी स्ट्रेटेजी को, तो अगर फॉलो करें तो आप भी उतने सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इस पर मजीद बात भी करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर है फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फरहान साहब कहाँ से बात, फराज साहब आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से जी, कही कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है जी। कही क्या कहेंगे? वो डॉक्टर साहब जी, जी आप कोई सीडी वगैरह दे दें माइंड के मुताबिक। दे देते हैं आपको। आपको किस लिए चाहिए जी? टेंशन के लिए चाहिए, नींद के लिए चाहिए? वो माइंड काम करे, काम करे कर रहा मेरा। अच्छा चले, काम करे कि काम करे? काम काम वर्क। अच्छा वर्क करे, ठीक है, ठीक है। चलो हम आप कौन सी सीडी इनको दे दें? आप लिविंग पावरफुली, आपको लिविंग पावरफुली की सीडी है। थैंक यू सो मच। लेकिन कॉल करके कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने आइडल के बारे में बताएं, तो ही अब मैं सीडी दूंगी, वरना मैं नहीं दे रही। अच्छा, जब तक आइडल के बारे में बात करेंगे, बता दूं इसका एक वर्ड मॉडलिंग भी होता है। मैंने मॉडलिंग इसलिए नहीं कहा कि हम उसको वो मॉडलिंग समझेंगे, ठीक। तो एक वर्ड मॉडलिंग भी होता है कि आप मॉडल करते हैं, यानी उसका जो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है वही आप अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं। तो ये फैक्ट है कि इससे इन्होंने वो कामयाबियां दुनिया में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, कंपनीज ने हासिल की कि जी उनके प्रॉब्लम था, उनका मोटिवेशन नहीं था, बास कंपनी में सेल्स आउटपुट नहीं था इतना, कंपनी की ग्रोथ रुक गई थी। उन्होंने क्या किया कि चंद कामयाब तरीन लोगों की स्ट्रेटजी इलिसिट की, इलिसिट इज द वर्ड, और उसको अपनी वर्कफोर्स में अप्लाई कर दिया। ये बंदे भी वही रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगे। तो ये सब चीज एनएलपी में होती है, राइट? एनएलपी में। सो इसके अंदर आप किसी को इलिसिट करके किसी की स्ट्रेटेजी को आप उसको अनफोल्ड भी कर सकते हैं, एंड देन यू फॉलो इट द वे इट इज, एंड देन यू कैन गेन द सेम रिजल्ट। एक छोटा सा मिसाल दो, मेरे एक गुरु जी के बेटे थे, गुरु जी को इंतकाल हो गया, उनके बेटे अभी भी है। अच्छा, उनकी एक आदत थी, वो जब लेक्चर देते थे तो ये फैक्ट है, मैंने अप्लाई करके देखा, वो ये उनकी आदत थी, इस तरह ऐसे बात करते वैसे करते थे, राइट, और हाथ ही होता था। मुझे याद है वेरी अर्ली डेज लाइक 82-83 में मैं लेक्चर देता था जिम खाने पे, तो मैंने भी यही करना शुरू किया, यानी मैं बैठता और इसी तरह करता, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो वर्ड्स, वो चीजें मेरे जहन में आने लगी जो वैसे नहीं आती थी ऑटोमेटिकली, बिकॉज आई बिकेम हिम, मैं वो बन गया हूँ। मे भी जो उन्होंने बातें की होंगी जो आपको उस तरह याद, अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में थी, वो आपने पोस्चर की वजह से आना शुरू हुआ, यानी फिजिकली फिजियोलॉजी जब चेंज होती है तो साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी चेंज होती है, साइकोलॉजी में ये तो लूप में ना, फिजियोलॉजी चेंज होगी तो आपकी न्यूरोलॉजी चेंज होगी, फिजियोलॉजी चेंज होगी, तो ये आपके लूप में। अगर आप किसी की तरह एक्ट करना शुरू हो जाए, किसी की तरह उठना बैठना शुरू हो जाए, तो आप उसकी तरह फील भी करना शुरू हो जाओगे, और अगर आपने उसे इंटरेक्शन की तो बातें भी आप याद करना शुरू कर। अगर ये हमारे अवाम को बता दें, क्योंकि हमारे अवाम को कॉमन सेंस का एक इशू है कि ये नकल उतारना नहीं है, नकल आप उतारते किसी का मजाक उड़ाने के लिए, सही, ठीक।